बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है बिहार से, जैसा कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है कि बिहार में वज्रपात से 3 दिनों में 65 लोगों की मौत हो गई है, अलर्ट जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है और आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिया। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में वज्रपात से 3 दिनों में 62 लोगों की मौत हो गई है, अलर्ट सामने निकल के सामने आ रही है, अलर्ट जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, करीब 2 दशकों के बाद बिहार में मॉनसून बेहद सक्रिय अवस्था में और बिहार में आज भी ठिकना गिरने और भारी बारिश का आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के इसको लेकर पूरी तरह से राज्य में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जुलाई तक मानसून बारिश जारी रहेगा। मानसून अब भी पूरी तरह से सक्रिय है और शनिवार को प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात हुई है। राज्य में शनिवार को 8 जिलों में 28 लोगों की मौत वज्रपात से हो गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। दक्षिण और पश्चिमी बिहार में बारिश का आसार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार के दक्षिणी और पश्चिमी बिहार में आज भी बारिश बारिश का आसार है। दरअसल मानसून की अक्षीय रेखा फिलहाल झारखंड के रांची और जमशेदपुर के ऊपर से गुजर रहा है, साथ ही पूर्वी यूपी झारखंड के सटे बिहार में कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य के अधिकतर हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है बिहार से। जैसा कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से निकल के सामने आ रही है, वज्रपात से 3 दिनों में 62 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि शनिवार को 8 जिले में 28 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो आप भी सतर्क रहें, बिल्कुल आप जो भी मानसून विभाग से जो अपडेट है आप उसको अपडेट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको भी इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहे। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।